गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या स्टाइल हब। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक टू माय वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पर भी अपने फेस को इंस्टेंट ग्लो कैसे दे सकते हैं और डी टैन कैसे कर सकते हैं, वो भी एक होममेड फेस पैक से। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 3 टीस्पून ऑफ बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर, जो कि डी टैनिंग करने में और डेड स्किन सेल्स को हटाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इस फेस पैक को वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद हम ले लेंगे इसमें 1-2 चुटकी हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक जो है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये हमारे फेस को इंस्टेंट फेयरनेस देता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी। हनी हमारे फेस से ड्राइनेस को हटाता है, मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। और साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ऑफ कर्ड। आप चाहे तो रॉ मिल्क भी ले सकते हैं। सो कर्ड जो है वो अर्ली साइन ऑफ एजिंग को हटाने में हेल्प करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पे आप चाहे तो आप इसमें साथ में मिला सकते हैं लेमन। हम यहाँ पर एक लेमन ले रहे हैं, लेमन की कुछ ही ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड करनी है। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, जो कि स्किन लाइटनिंग में हेल्पफुल रहता है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेमन ले लिया है, ऐड कर लिया है, और ये मेरा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब आप इस फेस का टेक्सचर देख सकते हैं, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट सा। तो अब हम इसको फेस पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने हेयर को टाई कर लीजिए और ये फेस पैक रेडी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। आप इस फेस पैक को अपने फिंगर्स की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से इवनली अप्लाई कर सकते हैं। इस फेस पैक को आप चाहें तो अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर, अपने फेस फुल फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको ब्रश से अप्लाई करें, चाहे फिंगर से अप्लाई करें, जैसे भी आपको सही लगे। तो ये फेस पैक जो है अब मेरे फेस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इस फेस पैक के ड्राई होने का वेट करेंगे। तो ये 10 मिनट तक हम वेट कर लेते हैं। 10 मिनट का वेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो जब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये फेस पैक थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हम इस फेस पैक को वॉश नहीं करेंगे अभी हम इस फेस पैक को स्क्रब की तरह इससे मसाज करेंगे हमारे फेस से। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी फेशियल हेयर्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे फेस पर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से फेस पर मसाज कीजिए और अपने नोज़ के एरिया पर भी, और आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही जेंटली मसाज करना है। और आप अपने ब्लैक हेड्स इससे रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। आपने देखो, मैंने फेस वॉश कर लिया है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। सो गाइस, अगर आपको ये फेस पैक अच्छा लगा हो तो बताइएगा। तब तक के लिए बाय।